वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल वायरस यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी अपने ब्लॉगर को अपने कस्टम डोमेन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ब्लॉगर में अपने कस्टम डोमेन को कैसे कनेक्ट करके रखा हूं। तो मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि मेरा कस्टम डोमेन कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा कस्टम डोमेन सक्सेसफुली कनेक्टेड है और मुझे यहाँ एक SSL भी मिला हुआ है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन बटन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको अपने ब्लॉगर पर चले जाना है। फ्रेंड्स, ब्लॉगर पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन खोजना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको www. अपना कस्टम डोमेन यहाँ देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये www देना ज़रूरी है, वरना आपकी कस्टम डोमेन यहाँ ऐड नहीं होगी। दोस्तों, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। आपको यहाँ से ये चीज़ कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद फिर आपने जहाँ से अपने डोमेन को परचेस किया था उस वेबसाइट में जाना है और अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। मैंने GoDaddy से परचेस किया था, इसलिए मैं अपने GoDaddy अकाउंट में जाके लॉगिन हो जाता हूँ और विजिट माई अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको माई प्रोडक्ट्स पे जाना है। माई प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आपको DNS पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ए रिकॉर्ड सेक्शन में ऐड बटन मिलेगी, वहाँ क्लिक करके टाइप में आपको CNAME सिलेक्ट करना है। होस्ट में आपको आपने जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है और पॉइंट स्टोर में आपको फिर ब्लॉगर पे आना है और आपको ये चीज़ कॉपी करनी है। वापस GoDaddy में जाना है, जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, वापस आपको ऐड पे क्लिक करना है। टाइप में आपको CNAME पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वापस ब्लॉगर में जाना है। आपको ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ आना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। दोस्तों, आपको वापस ब्लॉगर में जाना है। ब्लॉगर में जाने के बाद आपको ये चीज़ कॉपी करनी है। वापस GoDaddy में आना है और यहाँ पे आके ये पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। वापस आपको ऐड पर क्लिक करना है। इस बार आप ए रिकॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ @ दे देना है होस्ट की जगह पर। पॉइंट्स टू में यहाँ पे कुछ IP एड्रेसेस हैं, आपको ये चारों IP एड्रेसेस 1x1 करके यहाँ पे ऐड करनी होगी ए रिकॉर्ड्स के नाम से। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी ए रिकॉर्ड्स ऐड हो चुकी हैं और आपको यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देना है। दोस्तों, याद रहे कि आपका सर्वर नेम्स GoDaddy के सर्वर नेम से या कनेक्ट होना चाहिए। आपको वापस रिफ्रेश कर देना है, 2-3 बार रिफ्रेश करके देख लेना है। इसके बाद वापस आपको ब्लॉगर में आना है। अब देखते हैं कि हमारे डोमेन सेव होती है कि नहीं है। सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कस्टम डोमेन सक्सेसफुली सेव हो चुका है और आपको रिडायरेक्ट डोमेन पर क्लिक कर देना है और इसे इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं और अपने कस्टम डोमेन को सर्च करके देखते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों, ये एक दो घंटा लगता है इसे ब्लॉगर से कनेक्ट होने में, इसलिए इसे कुछ टाइम दें, एक दो घंटा टाइम दें, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉगर में अपनी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और अदर सेटिंग्स कैसे की जाती है, robot.txt सेटिंग कैसे की जाती है, उसे सर्च कंसोल से कैसे कनेक्ट किया जाता है और अदर सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने दो घंटे से ज़्यादा वेट कर लिया है, अब मैं अपने कस्टम डोमेन को सर्च करके देखता हूँ कि वो मेरे ब्लॉगर से सक्सेसफुली कनेक्ट हुई है कि नहीं। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा कस्टम डोमेन यहाँ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और यह प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।